बताओ इसके बारे में। ये एक रिटेल वैन है, रिटेल वेजिटेबल वैन्स। इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्वर्टर है, ये सौर पैनल से चार्ज होता है, ये इनके माइक सिस्टम है, स्पीकर ठीक दोनों साइड में। ये कैरेट्स हैं, कैरेट्स के ऊपर ये ब्लोअर सिस्टम है जो फॉग छोड़ता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इस वो लाइनिंग दिख रही है ना आपको, अच्छा फॉग वगैरह के लगा रखे हैं। इससे ऊपर वो टेम्परेचर मशीन है उस साइड में जो टेम्परेचर को बताएगी कितना क्या है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक कट हो जाता है। ठीक है। ऊपर एग्जस्ट फैन है साइड में, ये इसको चिल रखते हैं। स्टील बॉडी है ताकि ठंडा बना रहे। ठीक है। और ये बैटरी है इसकी, पूरा बैकअप होता है। ठीक है। इसके बाद ये आपका स्प्रे टैंक है जहाँ से पानी उठाती है और आगे फॉगिंग करती है। ठीक है। ये आपका एम्पलीफायर है, ये माइक है और LED है। LED डिस्प्ले के लिए आपने कौन सी क्रॉप कब लगाई, किस तरीके से तैयार की, जैविक है रासायनिक है, अच्छा कितने दिन में तैयार हुई, क्या बेनिफिट्स है, क्या गुण है वेजिटेबल में, वो चलती रहेंगी सारी चलती रहेंगी पिक्चर। इस साइड वही डिस्प्ले रैक है, ऊपर स्टोरेज के लिए जगह है, इसमें स्पेसियस है। ठीक है। रिटेल के लिए बहुत ही बढ़िया वो है। अच्छा यशपाल जी ये बताओ इन्वायरमेंटल पूरा कंट्रोल करती है, AC की तरह काम करती है, सिर्फ फोगिंग से ही ठंडा रहता है? फोगिंग करेगी, वहाँ से फैन चलेंगे, स्टील बॉडी है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, सब्जी का खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम है। अगर इसकी स्टील की जगह लोहे की बॉडी होती तो टेम्परेचर मेंटेन करने में सक्सेस नहीं होती, इसलिए इसकी स्टील की बॉडी दी गई है। AC से भी अच्छा काम करेगी, एक बफ का काम करेगी। अच्छा अच्छा जी, वेजिटेबल के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा आपने कब ली है ये? हमने हाल ही में परचेज की है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू हमें मिली है। अच्छा, अनुदान पे। ठीक है। सब्सिडी कितने परसेंट मिलती है इसमें? इसमें जनरल में बात करें तो है 50%। ठीक है। और AC कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी अपर है, 90% तक है। 90% तक। अच्छा ये टाटा एस गाड़ी? टाटा एस है, ये हमने हाल ही में नई परचेज की थी। ठीक है। ये यूरो 6। यूरो 6 नया मॉडल है? नया मॉडल है। अच्छा ये बताओ सर, आपको पता है क्या सभी स्टेट में ये सब्सिडी है समान रहती है अलग अलग? हाँ जी, ये सभी स्टेट्स में इन जो चीज़ों पे इंस्ट्रूमेंटों पे सेम रहती है। सेम रहती है जी, कैटेगरी वाइज अप डाउन होता है जनरल और AC में, ये डिफरेंट मेल या फीमेल में, बाकी सभी स्टेट में बराबर रहते हैं। अच्छा इसमें जो रजिस्ट्रेशन गाड़ी का होता है जी, ये जो FPO बनाते हैं उसके थ्रू होती है या फिर स्कीमों में FPO को भी देते हैं? FPO में बड़ी वैन भी ले सकते हो आप। अच्छा जी। और बड़े 2.5-3 करोड़ का प्रोजेक्ट है कोल्ड स्टोरेज, उसमें ऑलरेडी आपको 2 रिटेल वैन मिलती है, बड़ी एयर कंडीशनर केबिन की आपको बड़ी मिलेगी जिसमें आप लगभग 20-22 टन माल ले जा सकते हो, ऐसे भी बड़े कंटेनर मिलते हैं आपको। अच्छा जी, ये हमने इंडिविजुअल उस पे लिया। इंडिविजुअल? हाँ जी, ये इंडिविजुअल कोई भी किसान ले सकता है? बिल्कुल ले सकते। उसको सब्जी करना जरूरी है? सब्जी करना जरूरी नहीं है, वो रिटेल का काम करे, रिटेल का काम करे तो ले सकता है इसको। तो दोस्तों मैंने ये बताया कि जो सब्जी के लिए आप जो वेंडर के तौर पे काम करते हैं सब्जी सेल का, इसमें काम हो सकता है। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी सारा इसका यूज़ किया जा सकता है, कोई भी किसान अगर इसका वेजिटेबल ग्रोइंग करता है तो इसको यूज़ करें। सरकार जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाके आप संपर्क करें, लगभग सभी स्टेट में ये वैलिड है, मतलब सभी स्टेट में इसकी सब्सिडी आती है 90%। यशपाल जी ने बताया सब्सिडी बाकी कास्ट के लिए है, जनरल के लिए ही आती है 50-60% सब्सिडी इसमें मिलती है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।